जब भी किसी को एचआईवी होने का डर होता है या फिर कोई किसी से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बना लेता है, उसके दिमाग में उत्तेजना हो जाती है, चिंता हो जाती है, घबराहट हो जाती है कि कैसे पता करें कि मेरे अंदर एचआईवी है या नहीं है। यानी कि जिसके साथ आपने यौन संबंध बनाए हैं कहीं उसको एचआईवी तो नहीं है, वो मेरे अंदर तो नहीं आ गया। देखो, सबसे पहले एक प्राइमरी टेस्ट होता है जहां हर जगह वही टेस्ट कराया जाता है, उसका नाम है एचआईवी कार्ड मेथड होता है, जिसको एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। तो देखो, वैसे तो एचआईवी जो एक्सपोजर होता है उसका एक विंडो पीरियड होता है 23 से 90 दिन, लेकिन अगर आप इस कार्ड मेथड से जो टेस्ट करेंगे तो इसका जो विंडो पीरियड होता है वो कम हो जाता है। एक्सपोजर के बाद 14 से 15 दिन के बाद आप इस कार्ड से टेस्ट कर सकते हैं। देखो क्या है कि इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो काफी सेंसिटिव है, जैसे P24 है, वेस्टर्न ब्लॉट मेथड काफी पुराना मेथड है, और न्यूक्लिक एसिड जो टेक्निक होती है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सस्ता टेस्ट है, सस्ता टेस्ट है। वैसे तो फ्री में अगर चाहे तो आप सरकारी में जाकर भी करवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने जो दिल की बात है वो दूसरे को नहीं बता पाते, तो उनके लिए है कि मार्केट में जाओ, केमिस्ट के पास जाओ, अच्छे से आप ये कार्ड लो, कोई भी कंपनी का कार्ड 99% के आसपास उसकी एक्यूरेसी होती है। लेकिन ध्यान रखना है, एक्सपोजर के 14 दिन के बाद बाद ये टेस्ट करना है। तो ये देखो इसकी एक्यूरेसी कितनी, मैं आपको बताता हूं, चार तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है, लेबोरेटरी में कितनी एक्यूरेसी है, खुद करोगे कितनी एक्यूरेसी है। देखो सबसे पहले बताऊंगा, जब आपने टेस्ट जो करना है कार्ड से, जैसे शुगर में उंगली के ऊपर पिन मार के जो ब्लड निकलता है, जैसे होता है ना ऐसे ऐसे, ये ऐसे कर ऐसे मारते हैं, यहां ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद आपने दो ड्रॉप रखनी है, दो ड्रॉप रखने के बाद आपने 15 मिनट तक इंतजार करना है, जो घर पे करोगे, अगर आप चाहते हो इसको घर पे करना, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 100% एक्यूरेट आएगा। अगर मान लो कि आप वेन से ब्लड लेके टेस्ट करते हैं, वो तो लेबोरेटरी में जाके होगा, अगर लेबोरेटरी वाला ऐसे टेस्ट करता है तो उसका जो रिजल्ट आएगा 99.01%। देखो इसमें फर्क क्या होता है, जिसे यहां से करेंगे तो वो ब्लड होएगा, ब्लड यहां से करेंगे वो भी ब्लड होएगा, लेकिन इसके बाद एक और आ गया सीरम टेस्ट, सीरम से उसमें भी लेना तो ब्लड ही पड़ता है, लेकिन ब्लड देने के बाद थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है, जमने के बाद उसके ऊपर निकल जाता है सीरम, वो हम आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको एचआईवी टेस्ट जो कार्ड मेथड से वो करके दिखाऊंगा आपको। कई लोग इसके अंदर भी गलती कर देते हैं जिसके कारण दिमाग में एक डाउट सा हो जाता है, तो उसके अंदर भी ब्लड ही लेना पड़ता है और सीरम हो जाता है अलग, उस सीरम से टेस्ट करते हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है 99.84% होती है। उसके अलावा प्लाज्मा से भी कर सकते हैं, जैसे हम ईडीटीए बोलते हैं, ईडीटीए क्या मतलब होता है कि पर्पल जो वायल होती है उसमें डाल के वो जमता नहीं, ब्लड जमता नहीं, तो थोड़ी देर उसको रखेंगे तो ऊपर की तरफ प्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मा से अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं 99.78% उसकी एक्यूरेसी होती है। टोटल मिला के टोटल जो चारों जो मेथड है उसमें से ये वाला मेथड जो होता है इंस्टेंट वाला, यानी कि कैपिलरीज वाला, वो सबसे बेस्ट है, एक्यूरेट मेथड होता है। अगर हम इसकी एवरेज लेके चले इस कार्ड की, तो 99 से लेके 100% तक इसकी एक्यूरेसी होती है। जो पहली बार एचआईवी टेस्ट करते हैं कार्ड मेथड से, उनसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण रिजल्ट गलत आ सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको टेस्ट करते हुए। यहाँ पे मैंने वेन से ब्लड लिया है, वेन से ब्लड लेने के बाद 15 मिनट उसको रख के ब्लड हो गया क्लॉट, उसके बाद मैंने इस मशीन के अंदर डाल के उसको कर दिया सेंट्रीफ्यूज। यहाँ पे ले लिया मैंने दो कार्ड एचआईवी एंटीबॉडीज के, क्योंकि दो पेशेंट आए हैं आज। इसके बाद इसको पलट के मैंने देखना है, इसकी एक्सपायरी 2023 से 2025 तक, यानी कि ये वैलिड है ये कार्ड। यहाँ पे जो निशान दे रखा है यहाँ से कार्ड को फाड़ लेना है, फाड़ने के बाद कार्ड निकाल के इसके साथ में एक पाउच और है, ये इसको सुखाने का काम करता है, सूखा रखता है। ज़्यादा टाइम तक इसको ना रखिए, एक घंटे से पहले पहले आप टेस्ट कर ले, नहीं तो इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, रिजल्ट गलत आ सकता है, मतलब कि इनवैलिड भी हो सकता है कार्ड।
तो इसके बाद इसमें दिखाऊंगा T1, T2 और C का निशान है। T1 का मतलब है कि जो HIV-1, HIV-2 और C का मतलब कंट्रोल। और यहाँ पे जहाँ मैंने उंगली दिखाई, यहाँ पे इसमें सिरम डालना यानी कि सैंपल डालना होता है। लेबोरेटरी के अंदर अगर आप लाल वाली ट्यूब में ब्लड डाल देते हो तो वो क्लॉट हो जाता है। अगर सेंट्रीफ्यूज करोगे उसके ऊपर आएगा सीरम। उसके बाद अगर आप पर्पल वायल में डाल देते हो सैंपल जैसे ये है, तो इसमें आएगा ऊपर प्लाज्मा। तो सीरम और प्लाज्मा में ये फर्क होता है। ये HIV का बफर होता है। बफर मतलब एक पानी सा ही होता है, स्टेराइल। तो जैसे थोड़ा सा सीरम डालने के बाद एक दो बूंद इसकी भी डाल देते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट फिंगर से करेंगे तो उसको ये डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे कभी भी अगर आप लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे आपने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना है। आपने अपने हाथ में ग्लव्स पहन के करना है। अगर आप इंडिविजुअली अपना कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। हमने लिया ये पहला सैंपल। पहला सैंपल लेने के बाद ये हमने एप्लीकेटर, इसको बोलते हैं जिससे हम सैंपल लेते हैं, तो ड्रॉपर भी बोल सकते हैं, इससे हमने सैंपल लिया। यानी कि ऊपर जो पार्ट है ना वाइट वाइट, उसको सीरम बोलते हैं। ब्लड के ऊपर क्लॉट होने के बाद एक पार्ट आता है जिसको हम सीरम बोलते हैं। इसमें आप एक ड्रॉप डाल सकते हैं, इसकी सिंगल ड्रॉप जैसे मैंने इस पहले वाले में मैंने डाल दिया सिंगल ड्रॉप, सीरम की डाली है वो। उसके बाद फिर आपने दूसरे कार्ड के लिए नया लेना। जैसे हम लेबोरेटरी में करते हैं तो हर बार नया लेते हैं। अगर वो पेशेंट अपना टेस्ट कर रहा है तो वो खुद कर सकता है, और जो वो उंगली से टेस्ट करता है ना उंगली से, तो उसने दो बूंद डालनी है, एक नहीं डालनी, दो बूंद डालनी है। जहां पे मैंने सीरम डाला वहीं पर दो बूंद डालनी है, और उसने कम से कम 15 मिनट उसने इंतजार करना है। इसके बाद मैंने दूसरा सैंपल ले लिया। दूसरा सैंपल लेने के बाद इसके बाद मैंने दूसरी जो कैसेट है, कार्ड है, उसमें डाल दिया। इसके बाद नंबर जो आता है वो आता है बफर का। इसमें हम जो बफर है ना वो एक एक ड्रॉप दोनों में डालेंगे। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो हमने सीरम डाला है ना वो आगे की तरफ चला जाए, यानी कि अच्छे से जो रिजल्ट आना था वो क्लियर आ जाए। इसमें हमने डाल दी, जैसे एक ड्रॉप डाल दी, उसमें भी हमने एक ड्रॉप डाल दी, दो भी डाल सकते हैं, दो दो भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ड्रॉप डालने के बाद हमने इंतजार करना है कम से कम 15 से 20 मिनट। अगर आप ब्लड से करते हैं इसी को और दो ड्रॉप डाल देते हैं, कम से कम आपने 20 से 25 मिनट इंतजार करना है, तब उसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आता है। जैसे कि अभी मैंने दोबारा फिर डाला है, तो ये इसलिए डाला है क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो सफिशियंट नहीं होता। आप 2 से 3 बूंद भी बफर की डाल सकते हैं। 10 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका है, तो अभी हम रिजल्ट चेक करेंगे। देखो इसके अंदर एक छोटी सी लाइन है इसके अंदर। अब इसको रख देते हैं और दूसरा फिर चेक करते हैं, उसके अंदर भी छोटी लाइन के लिए वो क्लियर सी नहीं है। तो 5 मिनट और रखते हैं इसको, ताकि इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियर आ जाए। ऐसे आपने रिजल्ट बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, आपने पूरा टाइम होने के बाद ही रिजल्ट आपने चेक करना है। अगर आप पूरा टाइम होने के बाद अगर आप रिजल्ट चेक करेंगे तो बिल्कुल क्लियर लाइन आती है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, ना फिर कोई किसी कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी कार्ड को हम करते हैं चेक, क्योंकि पूरा टाइम हो चुका है। थोड़ा क्लोज लेके आते हैं, थोड़ा नजदीक लेके आते हैं। देखो जो पिंक कलर की एक लाइन है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, सी की तरफ है, और T2 T1 उसकी तरफ कोई भी लाइन, इसका मतलब ये नॉन रिएक्टिव है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, इसमें भी देखो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है ही नहीं है, सी के अंदर है, T2 और T1 में नहीं। इसका मतलब ये भी नॉन रिएक्टिव टेस्ट है, यानी कि ये जो पेशेंट हैं ये HIV नेगेटिव हैं, इनके अंदर HIV नहीं है। जो भी कार्ड मेथड से मैंने टेस्ट किया है, जो घर करने वाले हैं फिंगर से, सिर्फ दो ही बूंद डालनी है उसने, और उसके 15-20 मिनट के बाद इंतजार करना, ओवरफ्लो उसको नहीं करना, जो रिजल्ट है वो इनवैलिड हो सकता है, रिजल्ट गलत आ सकता है,
खाम-खाम में आपको टेंशन हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।